बेसिकली एक टाइम तो ऐसा आया था, मैं रो भी दिया था, मतलब अच्छा अचानक से शाम को घर पे बात कर रहा है ऐसा काफी, सुबह से मान लीजिए वो क्लासेस बंद हो गए थे उस टाइम, होता है कि सिलेबस खत्म हो आपके पास टेस्ट हो गए, तो मैं सुबह से रूम पे, वैसे क्लास टाइम में तो टाइम बीत जाता था दिन का, अब मैं सुबह से बैठा हूँ परेशान हूँ, पढ़ रहा हूँ नहीं हो पा रहा, शाम को घर पे बात कर, जब मैं कोटा में था फर्स्ट टाइम, बात करते करते होता है घर वाले पूछ रहे कैसा चल रहा है बेटा पढ़ाई, ठीक चल रहा है ठीक चल रहा है, लेकिन कितनी बार उनको बार बार ठीक बोलते बोलते अचानक अंदर से, से गिल्टी फील होने हाँ लगा। अचानक से बोलते बोलते मैं अचानक से रोने लगा कि मतलब नहीं हो पा रहा है, कैसे बताया आपको नहीं हो पा रहा, सच में नहीं हो पा रहा, तो फिर अचानक तो हेलो नीडरो, टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट 2021 नीडरो मिस्टर अमन विद अस, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। फाइन, माई सेल्फ अमन कुमार पाल, 2021 नीट ईयर हो, आई हैव स्कोर 68 मार्क्स इन 2021 एंड करेंटली आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। कॉन्ग्रेचुलेशन अमन, ग्रेट। सो बेसिकली हम लोग बहुत दिन से टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे कि कभी मिलना होगा, तो अमन आज हमारा मिलना हुआ, कैसा लग रहा है आपको? काफी बढ़िया सर, काफी दिन से बात हो रही थी, आज पहली बार मिले आपसे। अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली अमन, हमारी नीट एस्पिरेंट जब होते हैं, हम बहुत भाग दौड़ वाली जिंदगी होती है, बहुत डायनेमिक, बिल्कुल डेली पढ़ना डेली पढ़ना, टेस्ट पेपर नंबर कम आ रहे, ज्यादा आ रहे हैं, और उसके बाद एक ट्रांजिशन होता है हमारा एक मेडिकल कॉलेज के फेज में, ठीक है, जहां हम मेडिकल स्टूडेंट बन जाते हैं, मेडिको बन जाते हैं। तो क्या चेंजेस देखने को मिले आपको, एक अमन कुमार पाल जो एक नीटरो था, एक अमन कुमार पाल जो एक एमबीबीएस स्टूडेंट है? पढ़ाई का तो अभी भी पढ़ना है, लेकिन उस टाइम थोड़ा ज्यादा सीरियस थे उसको लेके, अभी भी एग्जाम्स तो उससे ज्यादा ही है कभी, लेकिन यहाँ पे कैसे एग्जाम्स होते हैं, मतलब हम लोग तो उतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना होता बाकी, और जैसे उस टाइम था ये काफी स्ट्रेस की, एक साल ड्रॉप हो चुका, इस साल नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे किस कॉलेज में जाएंगे, एक थोड़ा अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ और करना पड़ेगा, उतना कुछ डिसाइडेड भी नहीं था, लेकिन अब है कि फिक्स है कि हाँ 5 साल एमबीबीएस करना है, मतलब एक तरह से अब फाइनली डॉक्टर तो बन ही जाएंगे, पांच अच्छा, आठ साल मतलब तक लोड नहीं है, अब ठीक लोड है, नहीं है कि हाँ फ्यूचर टेंशन नहीं का, है कि हाँ माइनर में नंबर ज्यादा आ रहे कम आ हाँ रहे, कोई टेस्ट बात की में टेंशन आए, नहीं है। हाँ ना वो टेंशन नहीं, अभी बस पास अच्छा, होते जाए और फाइनली सब डेफिनेटली हो ऐसे ही जाए। सबके साथ होता है, ठीक है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, आपकी नीट जर्नी और जो सी एस सब है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हाउ डिड यू डेवलप इंटरेस्ट इन बायोलॉजी? क्या पहले से ऐसा था कि आप बचपन से ही, फैमिली में कोई ऐसा रहा होगा बचपन से ही 11th 12th में बायोलॉजी लेंगे फिर डॉक्टर बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं आ अगर गया? फैमिली की बात है तो मैक्सिमम लोग घर पे मैथ्स ही लिया, और उधर रहता है हम लोग नॉर्मल एक माइंड सेट होता है कि मैथ्स लेना चाहिए, मैथ्स में ज्यादा स्कोप है तो वो चीज़, लेकिन बायो जहाँ तक बायो की बात करें तो मेरा एक जैसे फ्रेंड था, मतलब मैं उसको देख के थोड़ा ज्यादा था कि बायो एक अच्छा सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा देख के इंटर, और क्योंकि मैथ्स थोड़ा 10th में अजीब सा होने लगता है, 9th 10th में थोड़ी सी टफनेस आने लगती डेफिनेटली है मैथ्स में, तो और बायो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने लगता है 9th 10th का, वो भी रीजन था, बल्कि मैथ 11th में थोड़ा सा मेरा मन था कि मैथ्स भी ले सकते थे, घर पे भी था कि मैथ्स ले लो, लेकिन एक बायो का ही पापा ने बोला था कि मैथ मतलब तुम्हारे ऊपर है कम्प्लीटली, तुम जो चाहो वो ले सकते हो, तो फाइनली जैसे एप्लीकेशन लिख के जमा करना होता था हमारा, तो फाइनली एप्लीकेशन लिखते टाइम हम लोग साथ में गए तो चलो बायो लिख के हमने जमा कर दिया, अच्छा, हाँ तो फाइनली बायो ऐसे तो ऐसा लिया। कोई आपके दिमाग में फैक्टर नहीं आया कि मैथ में स्कोप ज्यादा होता? शर्मा जी आपके पापा को नहीं मिले नहीं होंगे नहीं नहीं इतना कुछ जिन्होंने नहीं, बोला होगा मैथ में स्कोप ज्यादा है, बायोलॉजी में सिर्फ एमबीबीएस ही है, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं नहीं चला ऐसा गया? उस टाइम इतना कुछ नहीं था, 10th लेवल पे उतना उतना कुछ नहीं मतलब था, इतना ज्यादा सोचा नहीं हाँ उतना था, दूर का सोचे ही नहीं था, नॉर्मल बस लगा था, बायो नॉर्मल लेनी है था, तो ले हाँ लिया। ले अच्छा, लिया 11th 12th करते हैं फिर आगे कुछ। डेफिनेटली वेरी गुड। तो अमन, जैसे अभी तो मैंने आपका बायोलॉजी का इंटरेस्ट पे बात कर लिया है, लेकिन जब आपने बायोलॉजी में इंटरेस्ट लिया और 11th 12th बायोलॉजी पढ़ा और उस नीट के फेज में आया कि आपने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्या अप्स एंड डाउन आए, कब आपको मतलब लगने लगा कि यार चीजें बहुत ज्यादा टिपिकल हो रही हैं? नीट की स्टोरी में होता है ना हमारे साथ के, मतलब बहुत ज्यादा सिलेबस है और बहुत ज्यादा लंबे अभी काफी ड्यूरेशन तक स्मूथ पढ़ना चल होता रहा है, देखने में लगता है कि यार हाँ 11th 12th ही थे, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव फेज होता है। तो आपका नीट प्रिपरेशन स्टोरी, अप्स एंड डाउन, हाउ डू यू केम टू नो अबाउट नीटरो, नीटरो का क्या रोल था आपकी जर्नी में, पहले अपनी एक बेसिक आउटलाइन जर्नी की शेयर कीजिए। जैसे मेरा थोड़ा सा डिफरेंट स्टोरी है, जैसे मैंने 10th किया मतलब शुरू से मैं नवोदय विद्यालय पढ़ रहा था जेएनवी कुशीनगर, तो 6th से 12th तक मैंने वहीं पढ़ाया कि, तो ऐसे 11th 12th में कोई काफी वो नहीं था कि मतलब 11th 12th से ही बिल्कुल तैयारी किए जा रहे हैं, तो 11th 12th बिल्कुल एज अ नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट, कोई मतलब तैयारी वाला कोई सीन नहीं था, कोई मतलब एक कुछ भी दिमाग कुछ में भी नहीं सोचा था प्रिपरेशन, हाँ प्रिपरेशन बस का? ये था कि मतलब नीट देना, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स तो उन्होंने भी थी कि, तो एक 11th क्योंकि 11th तो हमने लगभग ना के बराबर ही पढ़ाई की थी, तो
फिर 12th में मतलब एक ड्रॉप प्लान था कि जैसे होता है ना 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, तो ऐसे 13 हम लोग मतलब ड्रॉप ऑलरेडी प्लान था कि 12th बाद एक साल तो करना ही है ड्रॉप, एक वो ऑलरेडी प्लान था। तो 12th बिल्कुल नॉर्मल की 12th वहाँ उस टाइम तक बिल्कुल नीट के कोई ऐसे तैयारी नहीं कर रहा था एज सच, बस नॉर्मली स्कूल लाइफ एंजॉय कर रहे थे, वहाँ पे हॉस्टल में थे तो हॉस्टल लाइफ एंजॉय कर रहे थे, गेम्स वगैरह खेलते, तो मतलब काफ़ी नॉर्मल सी लाइफ थी। 12th बाद 2019 में जब मेरा 12th हुआ, उसके बाद घर पे आने के बाद घर पे 1 महीने रहा मैं, और 1 महीने के बाद डिसाइड हुआ कि कोटा जाना। तो कोटा तो हम लोग लगभग हमको यार शायद जून या जुलाई, जुलाई के आसपास हम कोटा गए थे। उसमें से फर्स्ट मैंने उस टाइम बस मई में नीट था, फर्स्ट जैसे हमेशा होता है डेफिनेट कि फर्स्ट संडे ऑफ नीट मई में नीट होता है, तो सर मैंने बस वैसे दे दिया, तो उसमें मेरे मार्क्स भी 240 थे। तो वो कोई मतलब उस दिन, बल्कि उस एग्जाम वाले दिन मैं ज्यादा एक्साइटेड था कि हमको शाम को अवेंजर्स एंड गेम देखना, क्योंकि गोरखपुर में सेंटर पड़ा था तो एंड गेम के लिए हम ज्यादा एक्साइटेड थे। अच्छा, तो मतलब शाम नीट का जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें आप एक्साइटेड भी थे, नहीं उस दिन एवेंजर्स एंड गेम आया उसमें था, ज्यादा हाँ उससे एक्साइटेड ज्यादा किया। एक्साइटेड थे। एग्जाम टाइम बैठ के प्रिपरेशन तो कुछ की नहीं थी, वो सोच रहे थे कि आज मूवी देखो, बल्कि शायद वो फर्स्ट मूवी थी जो मैंने थिएटर में देखी थी, डेफिनेटली तो उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड थे। फिर उसके बाद कोटा चले गए, तो कोटा की भी एक अलग स्टोरी है। तो अगर कोटा, पूरा शेयर करो उसमें, मतलब आपके कैसे अप्स एंड डाउन रहे। तो जैसे कोटा हम यहाँ से दिल्ली पहुंचे, फिर दिल्ली से अंकल के साथ कोटा पहुंचे। कोटा में मैंने लैंडमार्क सिटी वहाँ पे जैसे लैंड, तो वहाँ पे जैसे कोटा में दो तरह की, वहाँ पे कोटा में जाने का मतलब एलन ही ज्वाइन करना, और कोई वहाँ पे ऑप्शन था नहीं। तो वहाँ पे था कि बैचेस, बैच कौन से ज्वाइन करेंगे, वहाँ अलग अलग तरह के बैचेस, बैचेस में काफी कंफ्यूजन, आपको रोड से ही लोग टांग के ले जा रहे हैं कि आप चलिए, आप कुछ सब कोई भी आके आपको बोला करिए ये ज्वाइन करके उसको कमीशन मिलेगा उस चीज ये के लिए, कोचिंग ज्वाइन कर लो, ये हाँ हॉस्टल ज्वाइन ये कर लो, वहां पे हॉस्टल दलाल में, मिल जाएंगे हाँ डेफिनेटली। उस पहले तो एक दिन उससे जूझा पूरा। उसके बाद जब बैच डिसाइड करने के बाद हुआ तो चलो लीडर ले लेते, क्योंकि सब बोल रहे थे 12th का जस्ट बाद आए हो, प्रिपरेशन की नहीं है तो लीडर लो, क्योंकि उसमें बेसिक से पढ़ाया जाए। तो फिर उसके लिए मैंने एलन जाकर लीडर ज्वाइन कर लिया। अब लीडर ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, तो वहाँ पे एक काफी भीड़ आती है अलग अलग जगह से, और काफी टैलेंटेड टैलेंटेड लड़के आ रहे हैं। क्लास में क्वेश्चन मतलब क्लास अटेंड करने जाना, क्लास में सामने से क्वेश्चन आ रहा है, आप वैल्यूज नोट किए जा रहे हैं, तब तक पीछे से टीचर आंसर कितने आ रहा आंसर है, कर आंसर आ दिए। रहा है, मतलब ये हम क्वेश्चन सभी उसको मैंने मतलब दिमाग में इंटरप्रेट करना स्टार्ट किया, तब तक आंसर आ जाए, टीचर यस वेरी गुड बेटा वेरी गुड, मतलब लग रहा है मतलब टीचर उस बच्चे को अप्रिसिएट भी कर रहा एप्रिसिएट है कर रहे कि हैं। उसने पहले आंसर, और बहुत सारे बच्चे ऐसे में स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्वेश्चन ही नोट कर हाँ रहे हैं, क्वेश्चन ये भी ये नोट कर, काफी टॉक्सिक था ना। ये मतलब लगता है कि मतलब ऐसा लग रहा था, पहले आए थे 12th के बाद तो एक छोटी सी 80 लड़कों की मतलब 80 लड़कों का बैच था स्कूल लाइफ में, तो लग रहा था कि कहीं स्टैंड करते, लेकिन वहां आने के बाद 600 का स्ट्रेंथ कैसे से मतलब, 1200 का हाँ स्ट्रेंथ का बैच बैच होने स्ट्रेंथ, लग रहा है। उसमें लग रहा था पता नहीं कहाँ स्टैंड करेंगे, तो फिर भी चलता रहा। और फिर बीच बीच में था कि कुछ ऐसे अगल बगल वाले बताने लगे, जो पीजी में हम लोग के अगल बगल वाले थे, कि तुमने गलत बैच ज्वाइन कर लिया, इस बैच से तो सिलेक्शन ही नहीं होता है, अब बैच चेंज करा लो, ऐसा करो तुम बैच चेंज करा लो कहीं और चले जाओ, वहां पर अचीवर बैच में ज्यादा सिलेक्शन ट्रेस होता है। अब उस टाइम ऐसा कंजेशन होता है ना, कोई कुछ भी बोलता है कि ये बुक लगा लो तो वो भी लगा लेते हैं, कोई थोड़ा सा सजेशन, तो ऐसा लगता है कि 1% भी चांस बढ़ रहा है सिलेक्शन के लिए, तो ये चीज कर लेनी चाहिए। तब तो उसके लिए 1 महीने काफी परेशान, हम लोग बैच चेंज कराने के लिए भी सोचे, लेकिन फिर लास्ट में एक दो टीचर से वहां पर डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला नहीं कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस, उन्होंने जस्टिफाई भी किया कि देखो हम तुम्हें पढ़ा रहे अभी और मेरा रिकॉर्ड तुम चेक कर लो, उन्होंने अपने फोटोज वगैरह दिखाया कि देखो तुमसे पहले मैं अचीवर बैच में पढ़ा रहा था, बोलो तो मैं वहां के लड़के से आपसे बात करा दे रहा हूँ, उनको मैंने सेम नोट्स प्रोवाइड किए जो आपको लिखवा रहा हूँ, फिर थोड़ा बहुत चलो ठीक है कर लेंगे यहाँ पे। मतलब हर किसी से कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, हर कोई हाँ अपना अपना ज्ञानी बना अपने बैठा आराम है। से कोई भी ज्ञान दिए जा रहा है आपको, क्या कह रहे तुम तो बेटा अभी आए हो, हम यहाँ पे 2-3 साल से हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे होता है। और एक मतलब थोड़ा फनी स्टोरी है, मैं पहली बार गया वहाँ पे बुक्स लेने, फर्स्ट डे था तो बुक्स कॉपी मतलब बुक्स तो वहां से मिल गई, कॉपीज लेने गया था स्टेशनरी आइटम, तो स्टेशनरी वाला धीरे से एक पर्चा मुझे ऐसे दे रहा है धीरे से, हाँ कि तो मैंने देखा क्या है ये, उसमें लिखा था कि आपको बाइक कौन सी बाइक चाहिए, कौन सा कैमरा चाहिए, मतलब उसके सारे रेट्स ले गए थे मतलब रेंट पे आपको लेने के लिए, जी यहाँ पे इसका क्या काम, तो 1 साल पढ़ने के लिए आए यहाँ पे। डेफिनेटली तो फिर वो बोल रहा है बेटा अभी रखो, अभी तुम्हें नहीं लग रहा, अभी आए हो ना 2-3 दिन में, तुम्हें 1-2 महीने बाद तुम फिर खोजते हुए आओगे हमको, फिर पता नहीं मैं मिलू ना मिलू, तो फिर रख लो। तो ये चीजें था मतलब वहां पे ये सब डेफिनेटली चीजें, हमारे टाइम पे भी था कि रेंट बाइक बाइक रेंट पे मिल में जाती मिलती, थी, कैमरा मजे मिला, करो। मतलब मजे करो, वहां बिगड़ने के लिए भी सब कुछ है और बनने के लिए भी सब कुछ और बिगड़ने के बहुत लिए है। खुला अपॉर्चुनिटी आपको सब, कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ, सब कुछ अट्रैक्ट किए जा रहे हैं। अच्छा, तो और आगे आपकी स्टोरी कैसे बढ़ी नीट में। वहां पे जैसे जब मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया, तो शुरू में काफी एक एक दो दो चैप्टर आते थे, मतलब एक फर्स्ट टेस्ट हमको याद है एक भी चैप्टर नहीं आया, मतलब एक चैप्टर का बायोलॉजी में जेनेटिक्स स्टार्ट हुआ था उसका हाफ पोर्शन आया था, केमिस्ट्री में एक चैप्टर, तो पहला माइनर टेस्ट।
तो पहला माइनर टेस्ट में मेरे 650 के आसपास मार्क्स थे, और मेरे बैच में रैंक थी तो मतलब फोर्थ थर्ड या फोर्थ ऐसे कुछ, तो काफी मतलब उस टाइम लगा कि हाँ मतलब आया है और यहाँ सही हो रहा है सब कुछ। तो काफी क्लास में भी गया तो सर टॉप 5 लड़कों को खड़ा करा है, किसके टॉप 5 में कौन कौन है बैच से, तो थोड़ा मतलब उस टाइम लगा कि मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पीछे से आंसर दे रहा है ना वो टेस्ट में भी अच्छा कर रहा है। हाँ वो चीज़ थोड़ा लगा कि हाँ मतलब ऐसा जो 600-650 रुपये का बैच स्टैंड करता है कहीं तो स्टैंड करता है। फिर वहाँ पे मैंने मतलब लगभग हर वहाँ पे माइनर टेस्ट होते थे, हर मंथली होते थे, तो माइनर टेस्ट में शुरू में टॉप 5 कभी टॉप 10, तो इससे 4-5 टेस्ट के बाद काफी अच्छा चल रहा था। तो मैं भी कहीं दिमाग में ख्याली वो बनाने लगा था ना कि अब जैसे 650 का बैच स्ट्रेंथ है, अगर इसमें से एक दो लड़कों का भी होने का चांस होगा नीट में, अगर चांस होगा तो तो उसमें तुम्हारा हाँ होगा। उसमें मैं स्टैंड करता हूँ, मतलब उसमें मेरे भी चांसेस हैं अगर एक दो लड़कों का भी होता है, तो थोड़ा अच्छा लगने लगा कोटा में। हाँ बढ़िया चल रहा सब कुछ, और मतलब घर पे बहुत सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो SRG गोल्ड प्रीफर कर, मतलब SRG गोल्ड ऑफर करते हैं कुछ, तो SRG में मुझे मिल गया, तो वो भी एक लायक मतलब लीडर। लेकिन मुझे ये चीज़ बाद में बहुत बाद में रियलाइज हुआ ना कि मतलब लीडर बैच का थोड़ा लेवल थोड़ा सा नीचे होता है, लेकिन वो उतना ही रिक्वायर्ड है नीट के लिए हाँ उतना ही अचीव। हाँ रिक्वायर्ड उतना ही है। रिक्वायर्ड, उस टाइम लगता था कि अचीवर वाले को उतना एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं तो वो रिक्वायरमेंट, लेकिन रिक्वायर्ड उतना ही है, लेकिन उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता तो लगता था नहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि वो भी छूट रहा है, कि उन्हें ज्यादा ओहो पढ़ाया जा रहा है तो वो आ रहा होगा, तो ये चीज था थोड़ा। फिर काफी सब मतलब ऐसे टेस्ट वगैरह होते रहे, और ये था कि हम थोड़ा चिल होने लगा, जैसे होता है ना कि टेस्ट में एक जब कंफर्ट जोन में हाँ आ गया कंफर्ट आप जोन में कि आ लगा अब तो नंबर हम आ तो रहे हैं, नंबर आ सिलेक्शन रहा सब पक्का कुछ हो है। रहा। और एक मैंने गलती ये भी की ना कि जैसे मेरे मार्क्स 650 के अराउंड ही रोटेट कर रहे थे, 640 कभी 630, मतलब 600 प्लस ही आ रहे थे 610 तक, मतलब शुरू शुरू माइनर टेस्ट की बात है, मेजर तो अलग ही कहानी है। तो माइनर टेस्ट में 600 के आसपास मार्क्स ऐसे आ रहे थे, तो एक क्या हो रहा, तो उस बीच में बस मैं अपना जब टेस्ट का रिजल्ट आता था तो मैं अपना बस मार्क्स देख लेता था, चलो मार्क्स आ गए रैंक ही आ गए। वो चीज मुझे बाद में रियलाइज हुआ ना कि मैं उस टाइम एक चीज गलती कर रहा था इस सब के दौरान, कि मैं उसमें अपने टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि 610 भी आ रहे थे तो काफी चीज मैंने गलत की भी थी, हाँ डेफिनेटली लेकिन फिर भी उस एक होता ना कि अंधों बस में खाना नंबर और रैंक, रैंक देख के खुश हो नंबर गए। और रैंक देखकर खुश हो गए। संडे को टेस्ट हुआ, नंबर रैंक देख ली, शाम को थोड़ा चिल कर ली। उस दिन जैसे जिस दिन टेस्ट हो रहा था ना, तो मेरा नॉर्मल सा फंडा था कि टेस्ट वाले दिन मैं पढ़ता नहीं था, शाम को टेस्ट देखा है उसका मस्त, या तो कोई मूवी देख ले या तो थोड़ा बाहर कुछ चले गए दोस्त के घूम घूम के साथ, खा पी थोड़ा घूम फिर के जाएंगे खा, उस दिन रिलैक्स किया। बल्कि उस दिन मुझे एक और चीज करनी चाहिए जो कि मतलब टेस्ट एनालिसिस करनी चाहिए थी, एनालिसिस एनालिसिस डेफिनेटली। करनी चाहिए थी, लेकिन मैं खुश था चलो मार्क्स इतने आ गए, रैंक भी इतनी आ गई, बढ़िया क्लास में भी जा रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है, लड़के पूछ रहे भाई कैसे पढ़ता है तू, तू कैसे पढ़ रहा है मतलब यार। एकदम फेम आ हाँ गया। हाँ फेम आ गया ऐसा, मतलब मैं खुद उतना पढ़ नहीं रहा था, लेकिन वहां पे जाने में बहुत चिल टाइप भी, क्योंकि जितना होमवर्क को देते थे मैं उतना कर ले रहा था, तो मार्क्स भी ठीक ठाक आ जा रहे थे, लेकिन मुझे वो करनी चाहिए थी एनालिसिस, वो मैंने नहीं किया, जिसका मुझे बाद में उस साल तो मिला जैसे हम है। लोग नीटर पर हर बार हर टेस्ट के बाद कन्वे हाँ करते थे, हाँ जितना जरूरी टेस्ट देना है उससे ज्यादा उससे चाहिए, कई गुना 10 टाइम जरूरी उसका एनालिसिस है। बिल्कुल आप 10 टेस्ट मत दो, हाँ 2 टेस्ट दो, लेकिन उसका ऐसा एनालिसिस करो कि उस टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए आपको आगे, ऐसा ना। फिर जैसे आगे बढ़ते हैं आपका कि नीटेरो जो है आपके फेज में कब आया, कैसे पता चला आपको, क्या रोल प्ले किया नीटेरो ने? हुआ वो ना कि उस साल मेरा मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ उस साल, तो मैं बेसिकली उस साल जब जनवरी के आसपास था कि तो मेरे मार्क्स थोड़े गड़बड़ाने लगे, तो उस बीच में मैं घर पे फोन करके थोड़ा परेशान सा भी हो गया था, तो मैं घर आया दिन की छुट्टी मनाने के लिए। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन एक बहाना सा मिल गया, जैसे घर पे थे थोड़ा और कंफर्ट जोन में आ गए, और किताबें मैं लेके नहीं आया था कोटा से, और उस टाइम कहीं आ जा नहीं सकते थे, तो एक बहाना मिल गया कि अब किताबें नहीं तो कैसे पढ़े, और टेस्ट में लगातार नंबर खराब हो रहे थे, मैं बता नहीं रहा था घर पे, लेकिन लगातार नंबर 550 के रेंज में, फिर फाइव गिरते हंड्रेड जा रहे थे। बिल्कुल नंबर गिरते जा रहे, तो एक अंदर से आ गया था ना कि इसका सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होना। फिर भी वो लॉकडाउन वाला फेज इतना बड़ा था ना, जब घर पे चिल कर रहा है बिल्कुल नॉर्मल, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि मतलब मैं नीट का तैयारी कर रहा हूँ, बिल्कुल एक भूल सा गया था। फिर वो लास्ट के टाइम पे अचानक से हुआ कि एग्जाम बिल्कुल पास आ गए, फिर मैं कोटा गया, कोटा से सारी किताबें वगैरह वापस, लेकिन तब तक इतना देर हो चुका था ना कि मेरे नोट्स सेम को वापस से रिवाइज करने में काफी टाइम लग रहा था। फिर भी जैसे तैसे करके किया, तो मतलब वो अटेम्प्ट पहले मुझे लग गया था कि सर होना नहीं है, और एक था ना कि पहले पेपर थोड़ा टफ आ रहा था, लेकिन सर पेपर अचानक से बहुत आसान आ गया है हाँ सर मतलब पेपर। 2019 वाला जो नीट 2020 वाला जो नीट था उसमें आपको लग गया था नहीं होना नहीं है, होना और उसके बाद कंटिन्यूअसली लॉकडाउन चल रहा था, कहीं जा नहीं सकते, आप घर पे ही थे और आप एक बार कोटा जाके अपनी सारी किताबें ले आए थे, फिर क्या हुआ? फिर उसका एक बहाना सा मिल गया, तो किताबें लाने के बाद मेरे पास 1-2 महीने थे, उसमें चाहता तो मैं बेटर कर सकता था, शायद शायद कर सकता था, लेकिन मैंने एक तरह से छोड़ दिया था कि अब नहीं होना, क्योंकि 2019 का पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का था, तो अगर सेम लेवल का पेपर आता तो
थोड़ा मुश्किल तो था ही, लेकिन 2025 पर इतना आसान है दिन के लाइफ, मतलब एक तरह से गलती गलती। कर दिया। एक चीज और है ना कि आप जिस भी लेवल पे हो वो करते रहे, क्या पता लक आपका कब साथ दे दे, आपको कब एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए या पेपर इजी आ जाए, तो फिर आपको अफसोस ना हो कि मतलब आपने नहीं किया, तो वो चीज़ था। तो फिर एग्जाम दिए, एग्जाम के दिन आके हम रात को मार्क्स कैलकुलेट किए, मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद लग गया कि नहीं नहीं होना, होना है, रात भर नींद नहीं आई। वैसे अगले दिन पापा को मैंने बताया भी नहीं, मार्क्स पापा मतलब चले गए स्कूल पे, फिर वो जॉब कर, फिर वहां से उन्होंने कॉल कर पूछा कि मार्क्स कैलकुलेट किए आंसर किसे, जैसे तैसे बताया कि हाँ मतलब मिसाल नहीं। फिर उन्होंने उस टाइम कोई डिस्कशन नहीं, फिर वापस घर आने के बाद डिस्कशन हुआ कि ठीक है क्या करा, तो उन्होंने बोला बीएससी कर लो अल्टरनेट प्लान ये बायो लिया, बीएससी कर लो बीएससी। फिर उन्होंने बोला कि या आयुर्वेदा वगैरह कहीं तो कुछ तो ज्वाइन कर लो इस साल पर, उनका ये था। और एक और चीज था, जब नीट का मैं फॉर्म भरा था ना, तो उन्होंने बोला बीएचयू का फॉर्म भर दो और भी अच्छा। यूनिवर्सिटीज का फॉर्म भर दो। तो उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस में था ना कोटा में, मैंने बोला कि अरे नहीं नीट ही हो जाएगा हमारा, नीट ही होगा एमबीबीएस नहीं हो तो जाएगा। एमबीबीए करना चाहिए यही कर, लेकिन अब इस साल कोई ऑप्शन। तो फिर भी एक थोड़ा फैमिली डिस्कशन टाइप, थोड़ा रोने सुनने वाला माहौल। हाँ तो उसके बाद तो बोला ठीक है एक साल और ट्राई करके देख लेते, तो बोला ठीक है एक साल। उन्होंने एक चीज बोला कि ठीक है एक साल ट्राई करो, लेकिन इस साल कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेना, अगर ये हुआ तो ठीक तुम्हारे ऊपर, जैसे तुम बोल रहे हो, अगर नहीं हुआ तो इस साल एडमिशन ले लेना कहीं ना कहीं, और इस साल तुम सारे फॉर्म भरोगे बीएचयू। तो मैंने बीएचयू का ही फॉर्म भरा था, और बस बीएचयू का ही मतलब भरा था। लगभग आपने ये डिसाइड कर लिया था कि अगर नीट में नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हाँ, एडमिशन ले इस साल लेंगे, तो ले ही भले लेना। एग्री में लेना पड़े हाँ, ले लेंगे। इस साल मतलब इसके अलावा अब मेरे पास फर्दर ऑप्शन। तो फिर अब इस साल जब तैयारी स्टार्ट करना था, तो फिर कोटा वापस जाना, क्योंकि लॉकडाउन का भी लॉकडाउन चल रहा था तब लॉकडाउन तक। चल रहा था, तो कोटा जाना वापस पॉसिबल नहीं था। कोटा के ऑनलाइन लेक्चर्स का भी सेम प्राइस था जो ऑफलाइन का था, काफी माइनर सा डिफरेंस था, तो एक तरह से वो भी अफोर्ड करना और भी। अचानक से कोरा का भी बढ़ गया था कि कोरा पढ़ने लग रहे हैं लोग, कोरा पे लोग आंसर लिख रहे हैं। वो हुआ तो हम ये सोचे कि जिस मेरे पास मॉड्यूल्स वगैरह पड़े, कुछ कुछ चैप्टर छूटे हुए हैं, तो एक बार सेल्फ स्टडी से ट्राई करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे ऐसा मतलब नॉर्मली सोच के। तो हम बेसिकली तैयार कर दिए। फिर मैंने बीच बीच में और भी यूट्यूब पे, जैसे मतलब अदर प्लेटफॉर्म से, जैसे बायो मेंटर्स की मैंने थोड़ी ट्राई करी, फिर फिजिक्स वाला, क्योंकि उस टाइम उनका अचानक से हाइप बढ़ा था। हाँ तो मैंने, क्योंकि सस्ते सस्ते कोर्स 4-4-5 हज़ार के, तो ऐसा वहाँ पे लाखों खर्चा करके आते हैं, यहाँ पे 4-4-5 हज़ार में ट्राई करने में क्या जा रहा तो है। सभी को तुमने तो थोड़ा थोड़ा सब, ट्राई हाँ मारा। सब, मैंने बायोमेट्रिक्स का भी सब्सक्रिप्शन लिया, फिजिक्स वाला का भी ले लिया, बल्कि मैंने पूरी तरह से किसी को फॉलो नहीं किया। तो फिर मैं बस वो, जैसे जो जो चैप्टर्स मेरे कुछ कुछ वीक थे, वो मैंने फिजिक्स वाला कर लिया, बेसिकली फिजिक्स के ही कुछ कुछ चैप्टर छूट रहे थे, और बायो का तो बेसिकली सारी एनसीईआरटी से ही करी, और केमिस्ट्री मेरा वीक था भी, वीक रहा भी, और निकल गया, मतलब केमिस्ट्री वैसे जैसा तैसा निकल अच्छा गया। अच्छा तो वो मैं, तो बेसिकली दिसंबर तक सब नॉर्मली ऐसे चलता रहा। एक चीज थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि बीच में मेरे पास कोई खास शेड्यूल नहीं था, शेड्यूल नहीं था मतलब, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन हाँ करी नहीं थी, तो बीच में कभी 1-2 महीने बहुत अच्छा फ्लो चल रहा, फिर ऐसे छूट ही चल गया। रहा था, पढ़ हाँ रहे पढ़ा छूट गया छूट गया, छूट एक गया। हफ्ता निकल गया, दो हफ्ते निकल गए, हाँ, तो फिर मतलब बीच एक में, शेड्यूल में नहीं आ पा रहे थे आप। तो फिर जैसे मेरा एक फ्रेंड है एमपी में, मतलब वो कोटा में मिला था एमपी में, उससे मैं थोड़ा टच में रहा था। फिर मेरे फ्रेंड्स के, जैसे वो भी गए थे कुछ कॉलेजेस में, उनसे भी थोड़ा वो, जैसे वो मेरे फ्रेंड्स अच्छे थे, उन्होंने लगातार वो बात करते बोले चल भाई कोई बात नहीं, नहीं हुआ एक साल और ट्राई करा तो हमसे बेटर कॉलेज मिलेगा तुमको, अच्छा तो ये भी थोड़ा था मतलब फ्रेंड्स। तो मैं एक साल वो भी हुआ ना कि मैं उस साल मैंने अपना नंबर सिम बंद कर दिया, मैं अपने सारे दोस्तों, जैसे हॉस्टल लाइफ का तो अच्छी खासी दोस्ती थी, तो मैंने सबसे डिस्कनेक्ट कर लिया। रीजन ये था, सब फोन करके एक ही चीज पूछ रहे भाई तेरा कैसे नहीं हुआ, क्या कर रहा है अभी। अब सबको बार बार स्टोरी बताना भाई नहीं हो पाया नहीं पढ़, तो मैंने फोन ही, मैं बेसिकली 4-5 लोगों से कनेक्ट में था, बाकी मैंने साफ ही फोन ऑफ कर दिया था। फिर वो एमपी वाले फ्रेंड्स थे, तो उससे मेरी थोड़ी, वो भी तैयारी कर रहा था एमपी वाला फ्रेंड, और मैं भी तैयारी कर रहा था, तो उससे थोड़ा डिस्कशन हुआ। तो उसने मतलब कोरा पे ऐसे हम एक दूसरे को भेजते रहते भाई, मतलब ऐसे एक दूसरे को लिंक भेजते रहते थे कोरा पे। तो बेसिकली कोरा से ही मैंने जाना कि दिसंबर के आसपास कि नेटरो करके कुछ है, तो उसने बताया कि भाई देखो ये लोग मतलब डेली क्वेश्चन भेजते हैं, एक शेड्यूल था तो ट्राई कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी हम लोग पास कोई शेड्यूल था नहीं, और सब कुछ हम लोग ट्राई ही कर रहे थे, ट्राई यूट्यूब करके जो भी देखते यूट्यूब पे हैं। मिला उसको भी ट्राई कर, जो भी ज्ञान बोल रहा था सबको थोड़ा ट्राई कर, तो ये भी ट्राई करने में क्या जा रहा। तो दिसंबर के आसपास कोई शायद वेबिनार ऐसे करके आप लोगों का कुछ हाँ, था, तो पर्सनल वो, इंटरेक्टिव सेशन अरेंज किया था, हाँ, तो वो मैंने दिसंबर के आसपास वो किया, उसमें, अटेंड किया हाँ आपने। उसमें थोड़ा लगा कि वो कि हाँ आपको ऐसे देंगे पूरा प्लान वगैरह दिया, तो मतलब चलो कम से कम प्लान तो दे रहे हैं, और सिलेबस तो ऐसा थोड़ी कि कुछ एक्स्ट्रा मतलब दूसरा कुछ बोल रहा है पढ़ने को, पढ़ना तो ये एक बार इनका करके देख लेते हैं। एक शेड्यूल था थोड़ा रिविजन साइकिल टाइप था, और मम को भी रिविजन ही करना था, क्योंकि मैंने सिलेबस तो हो रखा था। फिर मैंने क्या किया कि उसमें स्टार्ट करते, मतलब उन्होंने रिवीजन, आप लोगों ने रिवीजन साइकिल लिया था, तो शायद 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा था। हाँ, 1 जनवरी से आपकी नई रिवीजन साइकिल हाँ नई स्टार्ट हो गई रिवीजन से, थी। 1 जनवरी से रिवीजन साइकिल,
चलो ठीक है, न्यू ईयर का दिन है, थोड़ा अच्छे से करते हैं। नीट का भी डेट लग नहीं रहा था, मई में हो पाएगा तो ठीक है, अगर जितनी गलतियां हुई चाहे तो सुधार सकते हैं सुधार थोड़ा। और एक साल 2020 का पेपर देख के लगा था ना कि मैंने वो गलती की थी, कि 2 महीने मैंने पढ़ाई नहीं की थी शायद उसमें किया, क्योंकि पेपर इजी आने वाला था ऐसा लग रहा था। फिर मैंने चलो ठीक है, मैंने थोड़ी नई कॉपी वगैरह बनाई, पुरानी कॉपियों को हटाओ। नीटर के लिए नई कॉपी लेकर हाँ नई आया कॉपी, तो तो एक रिवीजन काफी साइकिल सा स्टार्ट किया हाँ आपने। फ्रेश स्टार्ट करते, देखते हैं क्या होता है। तो डेली 20-30 ऐसे क्वेश्चंस करके आते थे, किसी के दिन पर 35, मतलब ऐसे, मतलब ऐसा लगा सुबह आता था कि आप लोग, या तो मैक्सिमम टाइम आप लोग सुबह में वो भेजते थे कि सुबह में तो शेड्यूल, डेली का प्लान आपको मिल जाता है, इतना हाँ पढ़ना है इतना आपको। पढ़ना। जैसे कि पहले जैसे हम जब भी खुद से शेड्यूल बनाते हैं ना, तो ओवर टारगेट रख लेते हैं। जैसे कि सुबह लिखने बैठे कि आज टारगेट लिखते हैं, तो लिखा कि पहले ये चैप्टर कर लेंगे, फिर ये चैप्टर कर लेंगे, फिर होता है कि हमें लगता है कि टाइम है हमारे पास 24 घंटा, सब कर लेंगे, लेकिन शाम तक होते थे लगता है एक ही कि चैप्टर नहीं हुआ, एक ही चैप्टर, वो भी अब नहीं कल से हुआ। स्टार्ट अब कल करेंगे से फिर। चैप्टर, अब फ्रेश स्टार्ट करेंगे कल से। अब शाम का टाइम भी हो तो चलो सुबह तक नहीं हुआ कुछ, इस टाइम भी निकाल लेते हैं जैसे टाइम। तो फिर तो वो एक शेड्यूल मिल रहा था सुबह में, चलो इसको ट्राई करेंगे, पढ़ना तो था ही, हाँ तो यहाँ से ही पढ़ के देख लेता। और वो भी सिंपली वो एनसीईआरटी पढ़ने को आप लोग बोल रहे हो और क्वेश्चन लगाने को बोल रहे हो, तो हमको भी तो वही करना था। अब तो मैंने उसको स्टार्ट किया, तो शुरू शुरू में मैं क्या करता था, पेज पे ऐसे क्वेश्चन लिख लिए, फिर उसको सॉल्व किए, मतलब ऐसे उसमें डेली का मैंने डेट डाल डाल के, मतलब उस कॉपी में कॉपी मेंटेन। और जब 1-2 हफ्ते हुए ना, तो कॉपी मेंटेन को ये थोड़ी अच्छी लगने लगी, देखने में कॉपी मतलब तेज। एक रियलिस्टिक शेड्यूल हाँ देते, इतना हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से रियलिस्टिक शेड्यूल देते थे कि इतना कवर करा जा सकता है एक बच्चे से, तो आपको मतलब बहुत अच्छा लगा, डेली हाँ करने लगे थोड़ा आप। फील आने लगा ना कि शाम तक हो जा रहा है थोड़ा, कभी कभी तो 8-9 बजे तक हो जा रहा था, थोड़ा आराम से रात को 9 बजे का टेंशन नहीं रहता, चलो कल का सुबह आएगा ना। मतलब नींद अच्छी आ हाँ रही थी नींद अच्छी आपको। आने लगी थोड़ी बहुत खुद से उतार। और बीच में कभी मन करता, जैसे एक्स्ट्रा में हमको अगर कभी कुछ खुद से डालना हो तो हम बायो का ही डालते, क्योंकि ज्यादा से फिजिक्स केमिस्ट्री के चक्कर में पड़े थोड़ा परेशान से हो गए। जैसे आप लोग अगर मेंटेन हो जाए शेड्यूल, लगवा दीजिए शाम तक मेरा हो गया, आपने जो टारगेट दिया, तो मैं बायो कुछ एक्स्ट्रा बायो चेक, एक्स्ट्रा बढ़ा लेते थे बायो आप। अपना अपना एक्स्ट्रा बढ़ा लेते थे। तो वो चीज़ जब 2-3 हफ्ते हुए थोड़ा अच्छा सा लगने लगा। फिर एक टेस्ट शायद आप लोगों ने दिया था, टेस्ट हाँ पेपर आपके हमने पास, टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था आपके लिए। हाँ हाँ तो उसमें था कि आप लोग काफी बेसिक सा ही था, टेलीग्राम से सब कुछ हो रहा था, लेकिन अच्छा चला था, कोई ना ऐप ना फैंसी ऐप्स वगैरह कुछ नहीं थे। बेसिकली टेलीग्राम पे क्वेश्चन आते थे, उसको पेज पे सॉल्व करो, फिर आपको फोटो क्लिक करके भेज दो, तो आप मतलब उधर से रेस्पॉन्स आ जाता था कि हाँ ओके वेरी गुड, या मतलब जो भी डेफिनेटली आप, पूरा हमने एक सिस्टम एआई हाँ डेवलप एआई बेस्ड सिस्टम डेवलप कर रखा है कि आप आंसर की भेजोगे, एक प्रमोशन का सिस्टम रखा था कि जो हाँ पेपर अटेम्प्ट करेगा, जो सीरियस एस्पिरेंट है, हाँ अगर आंसर की सबमिट करें तो उनको प्रमोट कर दिया जाएगा डिस्कशन ग्रुप में मीडिया डालने के लिए, तो हाँ आप उस डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी का भी अच्छे से फायदा लेते थे। तो ये चीज था थोड़ा, मतलब लगभग लास्ट तक ही मैंने फॉलो किया। फिर उस बीच में मैंने फिर भी लगता था ना कि वो वही फोमो वाला फियर ऑफ मिसिंग हाँ आउट, कि ठीक है इन्हें तो मैंने ज्वाइन कर लिया क्योंकि अभी नया नया है, तो लेकिन इनके भरोसे तो पूरे नहीं रह सकते ना। मतलब तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया था, एलन का भी ज्वाइन किया, फिर एलन और फिजिक्स वाला का मैंने सब, उनका भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ था, तो मैंने सोचा कि सबको साथ में मेंटेन करते, लेकिन इतना टेस्ट सीरीज हो नहीं पाता, बल्कि एलन के एक दो टेस्ट टेस्ट दिए तो डीमोटिवेट से होने लगे उसमें। तो अल्टीमेटली आपको जो फील आया, आपको नीटर का क्या फील आया, क्या मतलब रियलिटी में एकदम अच्छी चीज थी ना जो आपने की? हाँ बिल्कुल, मतलब कि उसमें था कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, या बल्कि 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते थे ना, तो आप लोग कन्वे कर देते थे ये क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा थी, तो अगर इसमें आपकी गलती हुई तो ये कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, या इस पेपर में आपके 620 भी आ रहा है ना, तो आप खुश रहो, इस पेपर में आपका 590 भी आ रहा है ना, आप खुश रहो। एक बेंचमार्क सेट कर हाँ देते हैं कि ये जो पेपर हमने दिया है इसका लेवल कितना है, अगर इसमें इतना स्कोर आपका आ रहा है तो मतलब मोर देन सफिशियंट है, आप अपने आप को एक सेफ जोन में समझे, ठीक है। हाँ बाकी तो एलन वाले टेस्ट में तो ऐसा है कि अपना मतलब 500 590 तक भी स्ट्रेच करके ले जा रहे हैं अपने आप को, तो उसमें वो आ रहा है कि मतलब अगर, जितने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है मैंने देखा या आपने भी देखा होगा, इतना ओवर हाइप कर देंगे पेपर को, इतना हाई चढ़ा देंगे कि बेसिकली इनका फंडा ही यही होता है कि सबका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, हाँ लड़के कि परेशान रहे। आखिर में आके उनका मोटिवेशन गिरा दो, एक उल्टा सीधा पेपर देके सब खत्म। एक बिल्डिंग बनी जैसे ट्विन टावर बना था, एकदम ध्वस्त हो गया, तो 2 साल में बच्चे ने पूरी दम लगा के मेहनत किया और आखिर में जब मेजर टेस्ट सीरीज आएगी एक दो पेपर ऐसा दे देंगे कि उसका पूरा मोटिवेशन खत्म, अब तो सिलेक्शन होने से रहा। ऐसा ही कुछ था ना सभी इंस्टीट्यूट के साथ वो कि टफ बेसिकली, पेपर देके आपको खत्म कर देंगे। हाँ बेसिकली जितना डरेगा उतना वो, और अच्छा तो फिर मतलब आप एग्जाम सब कुछ दे लिया आपने नीट से, उसके टारगेट फॉलो किए, टेस्ट हाँ पेपर दिए। बेसिकली हम जब आप पढ़ रहे थे 2021 में तब हम गाइडेंस कर रहे थे, नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे, आपके अगले सेशन में हम लोगों ने लेक्चर भी प्रोवाइड करना चालू किया। आपने देखा होगा अल्टीमेट लेक्चर, मतलब जितना जरूरी है उसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहे हैं। और 2023 सेशन के लिए सबसे अच्छी बात हमारी ये है कि हम फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के सब कुछ लेक्चर लेके आ रहे हैं, और जहां लोग पेड़ रख रहे हैं
हम लोग पैसे लगा के चीजों को फ्री कर रहे हैं, समझ रहे, हम हम मार्केटिंग फ्री की ही चीज रखें। एजुकेशन हमेशा फ्री रहने वाली है, एजुकेशन कभी पेड नहीं किया जाएगा। एजुकेशन हमारा मानना है कि एजुकेशन राइट है हर बच्चे का, तो उसको मिलनी चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। ऐसा ना हो कि जो सिर्फ बच्चे कोटा तक पहुंच पाए सिर्फ वही सिलेक्ट हो, ठीक है। अगर गांव में भी बैठ के कोई बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है डेली, तो उसका भी सिलेक्शन इक्वली आपके जितनी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, जितना आप केजीएम में पहुंच सकते थे उतना वो भी पहुंच सकता है केजीएम में, ठीक है। तो ये फिर आपका नीट एग्जाम डे आया, तो एग्जाम डे के दिन आपका मतलब कैसा एड्रेनलिन रश था, कैसी फीलिंग थी आपकी? एग्जाम जैसे एग्जाम से पहले भी आपने 1-2 हफ्ते का एक शेड्यूल दिया था सर, उसमें मेनली बायो और केमिस्ट्री हाँ था। ये तो लास्ट के 1 वीक में तो मैंने बस बायो केमिस्ट्री पढ़ा और फिजिक्स से बस कुछ कुछ मेन चैप्टर्स के फॉर्मूले किए थे। उसके बाद एग्जाम वाले डे मतलब बेसिकली एग्जाम मेरा सेंटर गोरखपुर में था, घर से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर। तो सुबह से हम मतलब पापा ड्राइवर और हम साथ में निकले लोग सुबह कार से, और सुबह मतलब काफी मतलब बिल्कुल बहुत काफी सुबह निकल गए हम लोग, पहले पहुंच पहले जाए। ही पहुंच हाँ जाए। पहले पहुंच जाए ठीक, लेट ना, तो काफी सुबह पहुंच गए ना। तो मैं एक चीज घर पे पहले था ना ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी इतने टाइम से पढ़ रहा, तो मैंने सोचा कि किताब नहीं लेकर जाएंगे, तो मैंने सारी किताब रख दी, सब कुछ घर पे ही रख के बस सुबह उठ के मैं, हमको याद है पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स देखे थे, बायोमोलिक्यूल्स वाले कुछ एग्जाम्पल्स देखे, ड्रग वगैरह के एग्जाम्पल्स देखे, और सब कुछ रख के बेसिकली नहा धो के तैयार होके निकल गए। तो हमको याद हम सेंटर पे 11 ही बजे पहुंच गए, अच्छा एग्जाम है 2 बजे, हम पहुंच गए 11 बजे। और फ्रूट्स वगैरह लेके पहुंचे थे, तो वही कार में हम लोग बैठे थे, वो सेव काट 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 कर पापा दे रहे थे, सेव खा अच्छा रहे थे। तो मतलब फल वल खाया और हाँ अच्छी तरह आप जाके हाँ एंट्री बेसिकली हाँ लेके एग्जाम देकर आए, और एग्जाम देते ही आपको पता चल गया होगा कि इस हाँ बार सिलेक्शन हो हो जाएगा रहा है। डेफिनेटली। तो बाकी सेंटर पे मतलब तो काफी डर का माहौल, हम जितने दिन वहां बैठे थे ना शुरू में, 1-2 घंटे तो हम भी थोड़ा पैनिक होते यार, किताब लेके आ जानी चाहिए थी, अगल बगल जिसको देख रहे सब पढ़े जा सब रहे पढ़े हैं, जा रहे हैं। हमको डर लग रहा है कि हाँ यार टाइम तो है, अभी 11 से 2 बजे एग्जाम है, थोड़ा बहुत हम भी रिवाइज कर सकते। फिर थोड़ा हुआ कि इतने साल से तो पढ़ ही रहे हैं, टेस्ट हाँ जब मेरा भी ऐसा मानना था कि एक दिन ना पढ़ोगे तब भी कुछ नहीं होगा, एक दिन और एक बाद दिन पढ़ लोगे तब भी कुछ कुछ नहीं नहीं होगा, होगा। ठीक है। तो मैं भी ऐसे ही मानता था, एग्जाम डे वाले दिन रिलैक्स रखो, अगर तुमने पहले मेहनत की है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम डे वाले दिन, और पहले मेहनत नहीं की है तो एग्जाम वाले दिन भी कुछ होने का नहीं, ठीक और इसी है। मैंने एग्जाम 1-2 एग्जाम जो पिछले मैंने दी थी, जैसे रिटर्न में जैसे लीडरों का रिटर्न एग्जाम होता था ना, खुद से हमारा हम प्रिंट मैं प्रिंट करा लेता था, तो मैंने ये चीज ट्राई करके देखा था कि जिस दिन एग्जाम होता था तो उस दिन मैं सुबह से कुछ नहीं पढ़ता था 2 बजे, मतलब उस दिन या तो नॉर्मल बैठे हुए हैं या थोड़ा बहुत टीवी देख लिया, मतलब उस दिन 2 बजे तक कुछ नहीं पढ़ा। 1-2 बार किया हुआ था, उस दिन डर नहीं लग रहा था कि हाँ हाँ कि ये चीज तुरंत तुरंत पढ़ के क्या ही हो क्या ही जाएगा, हो जाएगा। सही बात लेकिन एमबीबीएस में ऐसा नहीं होता जनरली। है, एमबीबीएस यहाँ में आपको लास्ट मोमेंट तक पढ़ के वही पढ़ के वही जो जाके वल के आंसर शीट में, वही पढ़ के जो ना एमबीबीएस हुआ में चलता लास्ट नाइट फाइट भी यहाँ पे चलता है बिल्कुल डेफिनेटली। एग्जाम से 1-2 घंटे पहले भी चलता तो है। आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे बहुत से टॉपर जैसे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा टॉक्सिक कल्चर क्रिएट कर दिया है, ऐसा प्रिटेंड करते हैं एकदम 16 घंटे पढ़ो 17 घंटे पढ़ो, ये दिल्ली ये वो। आपका क्या शेड्यूल था, क्या टाइम टेबल था कि आप भी 16-17 घंटे पढ़ने मिली रखते थे, या 7-8 घंटे में हो जाता था आपका? बेसिकली सच बता तो जैसे जब हम मतलब प्रिपेयर कर रहे थे, तो ऐसा नहीं कभी कभी किसी दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिया शुरू में, लेकिन बाद में मैंने मतलब अपने आप को ट्रैक करना शुरू किया। जैसे बेसिकली मैंने कोई यूट्यूब वीडियो देख के ट्रैक करना अपने आप को शुरू किया, कि जैसे टाइमर लगा के पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर तो मतलब मैं खुद जान के रास्ते रहा, जब मैंने शुरू में टाइमर लगा ऐसा मुझे लग रहा था मैं दिन भर पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब मैंने टाइमर लगा के स्टार्ट किया ना तो 5 घंटे आ रहे हैं, 4.5 घंटे आ रहे हैं, मतलब मैं ऐसा लग रहा था हम दिन भर पढ़ रहे, लेकिन डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम कोचिंग हाँ 6 से 7 घंटे ज्यादा आप जा ही नहीं सकते, दिन वही खत्म हो जाता है भाई। और भी एक्टिविटी होती है, सोना और भी चीजें हैं, खाना पीना, उनमें दिन निकल जाता अब है। बेसिकली आप लगातार थोड़ी पढ़ रहे हो, बीच बीच में गैप भी ले रहे हो, तो मेरा टाइमर क्या था ना कि मैं टाइमर अगर प्ले करता था पढ़ रहा हूँ, अगर बीच में उठा या फिर लेटने के लिए ही उठा तो उसको पॉज कर दे, तो ऐसे करके आप करेंगे ना पांच तो घंटे 5 घंटे ही खाली जाता है, और अगर 5 घंटे भी रेगुलर पढ़ रहा हो तो बहुत है, मोर देन हाँ, सफिशियंट अगर 5 घंटे की आपकी एफिशिएंट पढ़ाई है तो मोर देन एनफ है, वो 10 घंटे से भी ज्यादा है अगर देखा जाए तो। बेसिकली हम जैसे कभी कभी हम लोग पढ़ते पढ़ते एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लगता है कि अब तो बुक ही खोल के बैठे हैं साला, बैक्टीरिया का साइज ही याद नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस जब आप एग्जॉस्ट हो जाते थे तो अपने आप को रिफ्रेश, अपनी आपकी एफिशियंसी बढ़ाने के लिए क्या करते थे? सिर्फ। मेरा बेसिकली था ना कि हम जैसे रूम था घर पे इस साल थे, तो मेरा भाई था साथ, तो हम तो या तो उसके साथ कुछ गेम्स वगैरह खेल लिए, या फिर मेरा था ना कि जब भी हम रूम से बाहर निकलेंगे ना तो कहीं जाने नहीं किचन में जरूर जाते थे, एक बार कुछ किचन खा के आ कुछ खा जाते के आ जाते कुछ थोड़ा, या फिर शाम का टाइम है तो कुछ बाहर, तो बेसिकली मेरा था ना कि या तो कुछ बाहर जाए कुछ खा पी के आ जाओ, या थोड़ा टाइम बेसिकली कुछ खा पी के आ जाओ, थोड़ा उससे थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाता, या थोड़ा बहुत गेम्स वगैरह तो शुरू में थोड़ा करा लेकिन बाद में धीरे धीरे अवॉइड कर दिए थे। थे। अच्छा ऐसा ही बिल्कुल मेरा था कि अगर मैं एग्जॉस्ट हो रहा हूं तो कुछ खा के आ जाऊं, हाँ बढ़िया कुछ फास्ट फूड फिर बढ़िया तीखा मजा आ जाएगा, बढ़िया फिर सा से पढ़ने बैठे डेफिनेटली।
ये सबका अपना अपना डिपेंड करता है, किसी को म्यूजिक सुन के मजा आता है, किसी को खेल के आ जाए एकदम एड्रेनलिन रश हो जाता है फिर से पढ़ेंगे, ये सबका अपना अपना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन आपके लिए कि नीटेरो की जो टैगलाइन थी सिंप्लीफाइंग द ओशन ऑफ नीट, उसने आपके प्रिपरेशन पे क्या इम्पैक्ट डाला? जैसे हम सेल्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट को देखो, अपना मेटेरियल बनाए चले जा रहे हैं, आकाश ने इतना बनाया तो पाताल इतना बनाएगा, ठीक है, राई का पहाड़ बनाने लगे हैं सब लोग मेटेरियल के वहां पे, बल्कि ऐसा लगता है वो एमबीबीएस का जब भी मैं पढ़ रहा हाँ हूँ वो उससे भी ज्यादा उन्होंने पढ़ा वो दिया मॉड्यूल में डाल क्यूंगा रखा डॉलर कैलर रिवर ये सब जो एमबीबीएस में पढ़ाया था वो सब मॉड्यूल में डाल रखा है। तो जो नीटेरो का मोटिव था सिंप्लीफाइंग द ओशन ऑफ नीड, जिसमें हम लोगों ने सेल्फ मॉडिफाइड एनसीईआरटी प्रोवाइड किया अपने नोट्स में, मेरे खुद के जो नोट्स में एक्स्ट्रा था जिसका मुझे लगा नहीं है जरूरत, चलो 2 साल पढ़ पढ़ के थक जाते लेकिन उसका कहीं यूज नहीं, तो उसको हटाया। तो जो हमने प्रिसाइज नोट दिए सिंप्लीफाई करके नोट दिए उसका क्या इम्पैक्ट था? आपने जब उसको स्क्रॉल किया हुआ सेल्फ मॉडिफाइड एनसीईआरटी को देखा हुआ, आपको क्या फील आया कि मतलब कितना हेल्पफुल है ये चीजें? मतलब वो देख के ये लगता था ना कि एक अच्छा फील आया, जैसे हमको ये पहले लगता था खुद से कुछ पढ़ रहा है मॉड्यूल हो नहीं पा रहा कि मॉड्यूल में इतना ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, तो वो जैसे जब लगता था कि अच्छा एनसीईआरटी में ये पढ़ा है जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वो बगल में दिया हुआ है थोड़ा एक बेटर फील आता था। लेकिन ये है ना कि हमेशा वो इससे लड़कों को समझना होगा ना अभी भी कि जो इंटरव्यू अगर हम देखते हैं टॉपर्स के इंटरव्यू उसमें वो बता रहे हैं कि नॉर्मल, तो उनके लिए ये है ना कि वो एनसीईआरटी तो ऐसे हवे हवे में पढ़ लिया उन्होंने, उनके लिए कि फिजिक्स का मतलब जब एनसीईआरटी तो सोते सोते पढ़ सोते लिया, सोते फिजिक्स पढ़ लिया है लगाएंगे सीधा इरोडो। इरोडो से लगाएंगे, तो केमिस्ट्री के लिए ऐसे कोई हाई फाई बुक एडवांस जेई एडवांस की बुक हाँ शायद वो जेई एडवांस के बच्चे भी ना लगा पाते हैं, बल्कि ये नीट वाले उसको लगाते फैक्सिनेट करेंगे, हैं। मैंने देखो इतनी सारी बुक फिजिक्स ही लगाई है, इतनी मेरे सारी हाइट से बुक ज्यादा मेरे बुक्स किया है, ये सब हाँ वो फैसिनेट करेंगे। तो ये चीज समझना होगा ना, उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी मतलब अपने आप को जो हमने नीटेरो पे सेल्फ मॉडिफाइड करके कंटेंट प्रोवाइड किया वो भी एनसीईआरटी दिया सफिशियंट है, वो भी मोर बहुत देन ज्यादा है, सफिशिएंट है वो भी एक तरह डेफिनेटली। से बहुत ज्यादा है। अब एनसीईआरटी के जो जो लाइंस मेन मेन हाईलाइटेड है ना उनको ही आप पढ़ लीजिए एक बार, तो आपको बेसिकली सच में पूरा पढ़ना होगा, लेकिन जब आप रिवीजन कर रहे हैं जैसे ना। हाईलाइट करके एक एक हाँ वर्ड को एनसीआर सेल्फ मॉडिफाइड एनसीआरटी मेंशन किया है, हाँ कहीं पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा जरूरत है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन आपको बन के मिल रहा है तो वहां पे ट्रिकी क्वेश्चन भी एडअप किया हमने, तो उससे आपको काफी हेल्प हुआ होगा देख के। मतलब ऐसा भी कुछ सर्कुलेशन, जैसे एक क्वेश्चन था ब्लड पंप वीनस ब्लड स्कैन का, ठीक है, तो ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स में मिले होंगे, ठीक है। जैसे मेरा प्लान ये था कि मैं खुद मैंने अपनी एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो मैं आपके एनसीईआरटी को बस रिव्यू करने के लिए यूज कर रहा था कि हाँ बेसिकली उसको देखते थे कि मेरे में क्या कमी हाँ है क्या और मैं उसको कुछ मॉडिफाई हाँ करते कुछ थे छोटा तो डेफिनेटली। बस उसका फिर अपने ही बुक को आप बार बार पढ़ते। एक चीज और अमन, जैसे डे बाई डे कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, कभी 16 लाख मेरे टाइम पे शायद 16 लाख ने दिया था, फिर 17, इस साल तो 22 में 18 लाख बच्चे पार कर गए, तो डे बाई डे कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, और किसी टेस्ट में हमारे नंबर कम आ गए तो एकदम से कॉन्फिडेंस हमारा धड़ाम से नीचे गिरता है, तो इस फेज को आपने कैसे कोपअप किया कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? जैसे आपने बताया कि एक वक्त 650 भी आ रहा था, माय गॉड ये लग रहा था मेरा फेज नहीं का होगा तो अपर किसका बनूंगा, होगा, मेरा नहीं होगा किसका होगा, और एक समय आपका 500 नंबर भी आने लगा था, तो कैसे इन सबको कोपअप किया आपने, कैसे ये नेगेटिविटी को दूर किया? बेसिकली मेरा तो एक तो है कि थोड़ा बहुत होता है ना कि थोड़ा उदास हो गया ये हो गया, फिर एक होता है ना कि थोड़ा बहुत प्लान बनाया शेड्यूल बना के दोबारा से स्टार्ट करने हैं कोर्स के, तो ऐसा तो बीच बीच में चलता रहा, थोड़े मार्क्स इंप्रूव भी हुए नीचे हुए। बेसिकली एक टाइम तो ऐसा आया था मैं रो भी दिया था, मतलब अच्छा अचानक से शाम को घर पे बात कर रहे हैं ऐसा काफी सुबह से, मान लीजिए वो क्लासेस बंद हो गए थे उस टाइम, होता है कि अब सिलेबस खत्म हो आपके पास टेस्ट हो गए, तो मैं सुबह से रूम पे, वैसे क्लास टाइम में तो टाइम बीत जाता था दिन का, अब मैं सुबह से बैठा हूँ परेशान हूँ पढ़ रहा हूँ नहीं हो पा रहा, शाम को घर पे बात हुई जब मैं कोटा में था फर्स्ट टाइम, बात करते करते होता है घर वाले पूछ रहे कैसा चल रहा है बेटा पढ़ाई, ठीक चल रहा है ठीक चल रहा है, लेकिन कितनी बार उनको बार बार ठीक बोलते बोलते अचानक से मैंने अचानक से अंदर से गिल्टी फील होने हाँ लगा। अचानक से बोलते बोलते मैं अचानक से रोने लगा कि मतलब नहीं हो पा रहा है कैसे बताया आपको नहीं हो पा रहा, सच में नहीं हो पा रहा। तो फिर अचानक से उसी टाइम अंकल अगले दिन आ गए थे, तो उस टाइम ये था कि मतलब घर वाले, तो आप थोड़ा कॉन्स्टेंटली अपने नियर डियर के टच में रहिए, उन्हें बताइए, कोई ऐसा फ्रेंड जरूर रखिए जो भी आपके मतलब जिससे आप शेयर टारगेट्स कर सके, आपके टारगेट्स अलाइन करता हो वो भी। जैसे हम डिस्कशन ग्रुप पे एक बहुत हाँ अच्छा पीयर कल्चर मेंटेन करके हाँ रखते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो मतलब आप आप ग्रुप में लिखो, ग्रुप में नहीं लिख सकते तो टेलीग्राम बोर्ड को लिखो, नीटेरो बोर्ड को, तो हम उसको पर्सनली बोर्ड हमें फॉरवर्ड करके हम उसको पर्सनली जाके उस बच्चे से एड्रेस करते थे कि क्या दिक्कत आ रही है आपको। जैसे आपने बताया टेस्ट में आपका दिक्कत हो जाता था, और हमने जो नीटेरो के टेस्ट प्रोवाइड किए थे उनमें आपका कैसा मतलब आपका रिव्यू कैसा रहता था, नीटेरो के टेस्ट कैसे रहते थे? नीटेरो टेस्ट मतलब शुरू शुरू में मैंने जब देना स्टार्ट किया तो मैं उतना सीरियस नहीं ले रहा था, मतलब ऑब्वियस ही है कि मैंने सोचा था कि ठीक है इनका टेस्ट देख कर मतलब देख लेते हैं क्या है ये भी, तो मैंने एक दो टेस्ट दिए, जब थोड़ा लगा कि नहीं इनका टेस्ट मतलब काफी, क्योंकि 2020 का पेपर काफी एनसीईआरटी ओरिएंटेड हाँ था, रिलेवेंट रहता था। हाँ
तो हमको भी एक तरह से वैसा है, जैसे कोचिंग ने अब जाके स्टार्ट किया है वो चीज, उस टाइम था कि वो क्योंकि सब कुछ भी देते कुछ तो भी कम। दे रहे थे, हाई स्टैंडर्ड दे रहे, वो ऐसा क्वेश्चन जो सालों से आया नहीं, कभी एक बार आया होगा सीपीएमटी में वो दिए जा रहे हैं, हाँ नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी एक बार आया तो शायद आ जाए, तो वो चीज था ना। जब मैंने एक दो टेस्ट लिया तो मुझे लगा कि जब यहाँ पे मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं और ये मटेरियल भी अच्छा ही प्रोवाइड कर रहा है और इन्हीं के द्वारा तैयार किया हुआ टेस्ट है और मार्क्स में ठीक है, इसमें कॉन्फिडेंस जब मिल रहा है तो क्यों नहीं इसी को कंटिन्यू किया जाए, ऐसा जगह क्यों जाए जब यहाँ पे डिमोटिवेशन हो रहा है। उस पेपर के अमन एक एक क्वेश्चन को हमारी टीम रिव्यू करती थी कि रेलेवेंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो जैसे टीम ने बना के दिया, हम लोगों ने रिव्यू किया, रेलेवेंट नहीं है तो उसको हटवा देते थे कि दूसरा क्वेश्चन डालो, अच्छा होना चाहिए लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। आपको एनसीईआरटी की लाइन से ही घुमा के बनाना है, ऐसा नहीं कि आप बीएससी और एमएससी पीएचडी की बुक उठा के लाए, वो कुछ भी पूछ लिया, ठीक है, आरपी बैक्टीरिया के साइज घूमने लग गए, ऐसा नहीं। हमने हमेशा फोकस किया कि फिजिक्स हो चाहे बायो चाहे केमिस्ट्री, हमेशा एक एक क्वेश्चन रेलेवेंट होना चाहिए आपका, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। अगर कभी धोखे से आ भी गया, हमने उसको जाके ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया, एड्रेस किया कि ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है, अगर आपका गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं घबराने आने वाली वाली बात बात, ठीक है। अब एक चीज और अमन, जैसे आप सर्वाइव कर चुके हैं नीट, और नीट एस्पिरेंट का सबसे बड़ा क्या होता है एक्सपेक्टेशंस, के जैसे नीट निकला कोरा पे जाएगा, कैडवर कितने होने चाहिए, ठीक लैब है, लैब कैसी होनी चाहिए, पेशेंट लोड, ओ माय गॉड, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट अपने कॉलेज का पेशेंट लोड देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, पेशेंट लोड, कॉलेज की डिस्टेंस, घर पे रह रहे के थक गया हो लॉकडाउन में, कॉलेज की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए घर से, ओ माय गॉड, मैं तो सबसे दूर जाऊंगा, जितना दूर हो सकता उतना दूर जाऊंगा, घर आने में ट्रिप लग हाँ, जाए पूरा एक। घर आने में मजा आ जाएगा, मतलब 3 4 दिन चल के ही आना पड़े, कॉलेज का नेम हुआ, फेम हुआ, ये सब इसके अगेंस्ट रियलिटी में क्या होता है, ये सब तो एक वो स्टूडेंट एस्पिरेंट देखता है जिसने नीट सर्वाइव कर लिया, काउंसलिंग होने का है, पेशेंट लोड देखेगा, लैब देखेगा, सब कुछ देखेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट एनाटॉमी में कैडेवर है कि नहीं, कैडेवर एक एक बच्चे को एक कैडेवर चाहिए बस, उनका ये आपका मानना क्या रहता एक्सपीरियंस है जब आप केजीएमयू में आए, आपने भी सब कुछ जैसे ही कुछ सोचा होगा, फिर क्या क्या सोचा था आपने, एक्सपेक्टेशन क्या थी और रियलिटी में क्या हुआ जब आपने 5 6 महीने कॉलेज में बिताए। जैसे मेरा भी बिल्कुल सेम था, मैंने भी कोरा पे स्टार्ट कर दिया कि क्या कॉलेज मतलब बेटर कॉलेजेस कौन कौन से, एम्स वर्सेस टॉप स्टेट कॉलेजेस, पूरा महीने भर से कोरा पे रहने पूरा रिसर्च किए जा रहे हैं। तो वहां पर जब पहला चीज सबसे पहले कैडेवर की बात करते हैं तो उस टाइम ऐसा लगता है ना कि एक एक लड़के को एक एक कैडेवर मिल जाता है, मतलब घुस के बॉडी में रिसर्च करेंगे पूरा एक एक नर्व पहले ही दिन निकाल में के। एकदम सर्जन बन जाएंगे, ओ माय बिल्कुल गॉड। बिल्कुल, तो एक बात बताए मतलब एज सच बहुत मैटर नहीं करता बेसिकली, मतलब अगर और भी जैसे बात करें लैब्स की कि कितने बेटर लैब्स होने चाहिए, तो बेसिकली कुल मिला जुला के है ना कि जितना आप सोचते हो ना, एक बार आप यहाँ पे आ जाओ तो वो चीज थोड़ा एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप एक बार आ जाओगे ना तो आपको लगेगा कि उतनी मतलब मैटर नहीं करते। बेसिकली बेस्ट कॉलेज वो है ना जो आपके घर से बिल्कुल नजदीक, आप मतलब जो हम केजीएमयू से एमबीबीएस कर रहे हैं, केजीएमयू से एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज से भी जिसे जो पेरिफेरल मतलब ऐसा कोई स्टेट जीएमसी हो, कोई डिफरेंस नहीं। मतलब बेसिकली आप कहना चाह रहे हो अगर कोई बच्चा पेरिफेरल कॉलेज में पढ़ रहा है, केजीएम में पढ़ रहा है, अंदर आने के बाद कोई डिफरेंस कोई नहीं है, डिफरेंस नहीं है। बाहर से नीट एस्पिरेंट बोल सकता है कि हाँ केजीएम में पढ़ते हैं ये पेरिफेरल में, हाँ नहीं एक मुझे तो केजीएम ही जाना है, हाँ लेकिन अंदर आके कोई डिफरेंस कोई नहीं है। डिफरेंस, बल्कि ये भी हो सकता है ना क्या पता वहां पे वो ज्यादा है खुश हो जैसे घर के पास हो कुछ ज्यादा, यहाँ पे बल्कि होता है ना जितने टॉप कॉलेज में जाते हो ना शेड्यूल काफी हैक्टिक होता है, आपको ऐसे लगता है ऑलरेडी आप मतलब दूसरे कोर्सेज से आप कंपेयर करेंगे तो एमबीबीएस काफी हैक्टिक है। हमारे यहाँ पे डेली स्कूल लाइफ जैसे लोग सोचते हैं कि स्कूल से कॉलेज जाएंगे तो मजा रहे, क्लासेस आवर्स कम होंगे, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, स्कूल से आने के बाद क्लासेस आवर्स और बढ़ जाते हैं, बल्कि यहाँ पे लैब एकेडमिक प्रेशर बढ़ जाता है एकेडमिक प्रेशर बेसिकली। बढ़ जाता आपने है। जो बताया था जितना मैंने फील किया, केजीएमयू में स्कूल से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है शुरू आपके ऊपर, हाँ शुरू में अगर आप भी किसी टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपके घर पे फोन कर दिया जाता वो है, भी हो सकता है आपके आपके लिए साथ नाइट्स की टाइमिंग है, आप बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते हो, बिल्कुल पहले 2 3 महीने तो आपको गार्ड्स के साथ रखा गया, मतलब इतना ज्यादा कि जितना आप लोग कबीर सिंह देख के फैक्सीनेट होते हो ना कॉलेज को, कि वैसा डीन को धमकी दे दिया है, भाई यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, अगर एक वैसा बार ऊंची आवाज में ही बोल गए ना तो 4 5 साल एक ही ईयर में रह जाओगे, पता नहीं चलेगा। 5 साल की एमबीएस 10 साल में हो रही है, 10 साल में भी नहीं हो पा रही है, केजी में बहुत सारे एग्जाम है जो 15 15 20 20 साल से एमबीबीएस ही कर रहे हैं, न्यूज में भी आया था अभी हाँ, रिसेंटली, तो ये चीज है मतलब तो उतना मतलब परसेंट रियलिटी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बहुत अगर डिफरेंट है। कोई नीट के काउंसलिंग के इस तरफ खड़े होकर देख रहा है तो ये सब देखे कैडेवर पेशेंट लोड ये सब, लेकिन जैसे ही कॉलेज में पहुंचेगा 2 3 महीने के अंदर ही उसका भरम खत्म हो बिल्कुल जाएगा, डायसेक्शन करने में 2 3 महीने तो काफी इंटरेस्ट आता है डायसेक्शन, फिर लास्ट लास्ट में इतना मोनोटोनस सिलेबस हो जाता है हाँ बहुत सिलेबस ज्यादा, इतना बढ़ता जाता है ना कि आप बस होते हैं कि अब जैसे तैसे हम कर लें। कि मुझे पढ़ने का वक्त मिले हाँ पर्सनल खुद के पर्सनल लिए, कम है एकेडमिक लोड थोड़ा कम हो, हाँ, डेफिनेटली क्लासेस भी बहुत ज्यादा मतलब जाते हैं लेकिन क्लासेस सब
जैसे तैसे होती है, मेंटेन होता है, अटेंडेंस मेंटेन कर रहा है, अटेंडेंस अच्छा कर रहा है। मतलब है क्लियर कि यार इतना ज्यादा वैक्सीनेट मत हो, अगर आप नीट सरवाइव कर गए हो तो ऐसे जाके कोरा पे यूट्यूब पे जाके इतना ज्यादा वैक्सीनेशन मत दिखाओ कि एकदम ओ माय गॉड लैब अच्छी होनी चाहिए, पेशेंट लोड अच्छा होना चाहिए, ये चीजें हार्डली मैटर्स करती हैं किसी कॉलेज के लिए। सबसे अच्छा कॉलेज क्या है, जो आपके घर के पास हो, जहां आप घर से ईज हो। जैसे अमन ने भी बताया कि वो आज सोचता है कि शायद उसने एम्स गोरखपुर ले लिया वो शायद ज्यादा बेटर बेटर है। बिल्कुल बेटर होता कि मतलब अगर मेरा थोड़ा से शुरू शुरू में आप बहुत फैसिनेट होते कि नए सिटी में आ गए, मजा आ रहा है, मतलब एक नए जगह पे आ गए, शुरू शुरू में आपको मजा आ रहा है, लेकिन आपके मतलब कुछ क्योंकि काफी लंबा कोर्स है, बहुत लंबा कोर्स है, 5 साल कोई भी बैचलर्स डिग्री के एक लिए तो मैंने करता ही ये मजा करता है कि ओ माय गॉड आप दिल्ली के जिपमर पॉन्डिचेरी ले लेते है। हैं, बहुत दूर है, मजा करेंगे, घर से दूर रहेंगे, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस किसी के ऊपर नहीं रहती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप अपने घर के कितना करीब लेते हो कॉलेज, 2-3 दिन ही, 2-3 महीने ही हार्डली मैटर करता है, दूर का कॉलेज ले, ओ माई गॉड मजा आ गया, ट्रिप हो गई, नहीं कुछ दिन में ये सब खत्म हो जाता एक है। टाइम के बाद ऐसा लगता है ना कि मतलब थोड़ी जो आपका थोड़ी एड्रेनलिन बढ़ा हुआ है ना वो अपने सब आप कम हो जाता कि है। थोड़ी भी छुट्टी मिले ना तो घर चले, ऐसे ऐसा लगता है कि अगर पास होते ना तो सैटरडे को चले जाते घर, प्लस संडे को घर पे हाँ एक दो सबके दिन घर होके आ घर होके आ जाते। जाते, तो वो चीज आप दूर के कॉलेज में नहीं कर सकते। तो ये अच्छा चीज से थोड़ा ऊपर उठो, जैसे मैंने भी ये किया, मतलब ऐसा तुम लोग की गलती, मतलब की गलती नहीं है, मैंने भी वही चीज किया, 6 महीने मैंने भी बकायदे पूरे कोरा पे सारे आंसर्स पढ़ लिए, नीट का एग्जाम जिस दिन दे के शाम को देखे कैलकुलेट की इतने मार्क्स, ओ माय गॉड एम्स ऋषिकेश भी मिल सकता है, यही मिल सकता है, घर से डिस्टेंस देख रहा है। काउंसलिंग डिलेट जितनी होती गई उतना ज्यादा और आंसर हाँ पढ़ते गए। बिल्कुल, ट्रेन देख रहा है, कॉलेज अभी हुआ नहीं लेकिन ट्रेन देख रहा है, कैसे हम जाएंगे वहां पे, फिर स्टेशन से बस से कितना दूर है, मतलब ये सब भी देख रहा है। मतलब एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड क्रिएट कर रखा है नीट एस्पिरेंट ने जो सरवाइव कर गए। अपार्ट अगर आप काउंसलिंग के बाद जाके देखेंगे ना, हर एक स्टूडेंट यही बताता मिलेगा, भाई अपने घर का कॉलेज लेना, ठीक है, घर के पास जो कॉलेज होगा जहां तू खुश रहेगा, 2-3 महीने में ही सब कुछ, ये एड्रेनलिन रस कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप परेशान हो ही जाते हो, मतलब कितना भी हो ना कि घर आप, वाले के पास जाना ही होता है। हाँ और वो चीज वही, मतलब भले आप एंजॉय कर लिए लेकिन एक टाइम के बाद फील होने लगता है, वो हाँ बता नहीं सकते लेकिन फील होने लगता है, जाना हाँ ही घर। मुझे भी बहुत एग्जैक्टली फील आता है यार कि मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके दूर का कॉलेज ना लेके अपने घर के पास लखनऊ का कॉलेज लिया, इसीलिए कि मैं अगर सैटरडे को भी चाहूँ तो 3-4 घंटे में घर पहुंच जाऊं और संडे को रह के मंडे को क्लासेस से पहले फिर से लखनऊ आ जाऊं। यही मैंने बहुत सोच समझ के कॉलेज लिया था लखनऊ का। ठीक जैसे है, मैं तो 6-7 साल हॉस्टल में रहा हूँ ना, तो मुझे लगा था मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन स्कूल लाइफ काफी इंजॉय वाली थी, यहाँ आने के बाद मतलब तो काफी एग्जॉस्ट घर कर की दी याद आने लगती बहुत बिल्कुल। ज्यादा। हाँ मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता था कि मुझे कभी, क्योंकि 6 से 12 तक मैं हॉस्टल में रहा, तो मैं और क्या कितना ही होगा घर से अटैच, लेकिन यहाँ आने के बाद लगता है कि मतलब वो सब कुछ कोई मतलब का नहीं था, यहाँ पे आके फिर से जाने का मन करता ही। जैसे अमन, जब हमने कुछ बच्चों से डिस्कस किया आपके बारे में कि आज अमन सर हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि अमन सर के साथ एक फन एक्टिविटी करो, जैसे आर यू स्मार्टर देन अ 5th ग्रेडर। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के बाद हम लोग अमन सर के साथ एक आर यू स्मार्टर देन अ 5th ग्रेडर टेस्ट करेंगे, देखेंगे अमन सर और मैं, मुझे भी पता नहीं है एक भी क्वेश्चन कैसा रहने वाला है, बिल्कुल एनोनिमस है, चेक करेंगे कि एमबीबीएस स्टूडेंट 5th ग्रेडर से स्मार्टर हो सकते हैं। ठीक है, और अमन नीट 2022 हो गया है, जूनियर्स आने वाले हैं, शिकायत नहीं आनी चाहिए मेरे पास के अमन सर ने परेशान किया। अभी कोशिश करेंगे, मतलब बेहतर है कुछ सीनियर्स की अच्छी इंप्रेशन बनी है तो हम भी वैसा बनने की कोशिश करेंगे, बाकी तो यहाँ पे आने के मतलब बाद ही बी द करेंगे। सीनियर यू वॉन्ट वेन यू हाँ आर बिल्कुल जूनियर। बिल्कुल, कि मतलब हम जब जूनियर खुद रहता है ना तो एक होता है कि हम काफी सीनियर से इंटरेक्ट हुए, एक सीनियर कुछ होता है ना वो सीनियर ने उनकी बातें कुछ याद आती है, जैसे एक आप भी एक सीनियर रहे हो, फिर मेरे कॉलेज के भी एक दो सीनियर उनकी बातें याद आती है, उनसे बात करने पर अच्छा लगता है, कुछ सीनियर से फर्स्ट टाइम ही लग जाता है कि मतलब बस इनसे जल्दी छुटकारा मिले, अब कुछ इनसे बात करने लगता है कि हाँ तो वैसा सीनियर बनने की कोशिश करें जैसा हम हम चाह एक्सपेक्ट करते हैं, हमें एक्सपेक्ट ऐसे करते हैं। सीनियर मिले, हाँ डेफिनेटली। अमन आप इसको फॉलो करना, और केजी में तो वैसे ही बहुत ज्यादा हाँ स्ट्रिक्ट हमारा सिनारियो बना काफी रखा स्ट्रिक्ट, है, कोशिश करिए कि आने वाले फर्दर ईयर में चीजें और इजी हो जूनियर्स के लिए, ऐसा ना हो जैसा आपने फेस किया कि 3-3 4-4 महीने गार्ड्स के बीच में चल रहे हो, गार्ड्स लाइन से जा रही है, एकदम स्कूल में भी छुईमुई वैसे की ही तरह निकले। टच ना कर ले कोई। तो जब सीनियर्स अच्छे होंगे ना तो डेफिनेटली जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा थोड़ी छूट देगा सीनियर्स को जूनियर साथ इंटरेक्शन करने का, तो आपको ना एक हेल्दी कल्चर मेंटेन करना अपने कॉलेज में। ठीक है, तो अमन बहुत ज्यादा लंबा इंटरव्यू हो गया, अब मैं आपसे एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस पूछूंगा जो आप हमारे 2023 नीटेरोस को एडवाइस करना चाहेंगे। सिंगल चीज मतलब दो तीन चीजें बताना चाहूंगा, एक फर्स्ट चीज है कि आप कंसिस्टेंट रहिए, वो तो सबको ही कहता है हाँ, कंसिस्टेंसी। कि कंसिस्टेंसी इज द की। हाँ और एक और चीज है ना कि बहुत ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, मतलब आप बहुत ज्यादा करने के चक्कर में थोड़ा भी नहीं हो पाता, तो गुड एनफ इज गुड एनफ, आपको
हर चैप्टर्स की थोड़ी थोड़ी आइडिया होनी चाहिए तो उतना काफी है। और आपको मतलब एक छोटे से मटेरियल पे स्टिक करके रहना, ऐसा नहीं आपको एलन का मॉड्यूल मिला वो भी आप लगा रहे हैं, आकाश का मॉड्यूल मिला वो भी लगा, कोई और एक्स वाई जेड कोचिंग सेंटर मिला वो भी आप लगा जा रहे हैं। मतलब एक उठा लो हाँ और एक उसको उठा इतने लो डाई हार्ड फॉलो करो कि मतलब उस मटेरियल में आपसे बेटर कोई ना होना चाहिए। बिल्कुल। आप जैसे नीडरों का ही बात कर लो तो हम डेली 35 क्वेश्चन आ जाते हैं, 35। अब आप जैसे नॉर्मली जब हम अपना शेड्यूल बनाते हैं तो हम लोग का टारगेट रहता है, अच्छा आज सुबह अभी 7 बज रहे हैं, मेरे पास शाम तक का टाइम है तो आज 100 क्वेश्चन लगाएंगे सीधे, ऐसे नहीं मतलब ये नहीं सोचा कि कैसे लगा पाएंगे सीधे, कह रहे अभी तो मेरे पास 12-13 घंटे 16 घंटे तो 100 क्वेश्चन वो रियलिस्टिक नहीं वो होता, होता रियलिस्टिक क्या नहीं है हम है। लोग एड्रेनलिन रश में हाँ अपनी अदर चीजों को भूल जाते हैं कि बीच हाँ में खाना खाने के लिए हाँ बुलाया जाएगा, मैं रेस्ट भी लूंगा, नैप भी लूंगा, कुछ खाने भी जाऊंगा, हाँ घर पे आए तो रेस्ट कुछ और भी दोस्त भी आ जाएगा। हाँ तो हम लोग इंटरेस्ट क्या करते हैं, बिल्कुल पूरा रियलिस्टिक सिनारियो सोच के हर चीज के हाँ आइडियल 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के दे देते, दे, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, तीस हाँ क्वेश्चन केमिस्ट्री के, मतलब एक बच्चा कर सके और 3-4 चैप्टर साथ में पढ़ने के लिए, ठीक ये है। चीज और एक चीज और, हम जैसे नीट को बहुत ज्यादा हाइप कर रखा है बच्चों ने, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? बल्कि सच में ये कोचिंग सेंटर से बहुत ओवर हाइप्ड है, मतलब इतना बहुत बड़ी चीज, एक बार आप यहाँ पे आ जाओगे ना तो आपको फील होने लगेगा कि जिस चीज के पीछे हम 3-4-5 साल से एकदम पागल थे, हमें लगता था कि यही लाइफ है, उतनी बड़ी चीज नहीं है ये, मतलब काफी ओवर हाइप्ड है, मतलब इतना कि हम बता नहीं पा रहे आपको, मतलब बहुत ओवर हाइप्ड है ये चीज कि मतलब नीट के टाइम ऐसा लगता था ना कि एमबीबीएस स्टूडेंट क्या ही होगा, एक बार एमबीबीएस हो गया तो मतलब कितनी बड़ी चीज है, तो वो चीज यहाँ पे मतलब आपको आने के बाद ही फील होगा कि मतलब उतना ज्यादा वो नहीं है जितना आप कोचिंग के टाइम पे समझते हो। मतलब बेसिकली अमन ये कहना चाहता है कि अपने एड्रेनलिन रश को कंट्रोल में रखो हाँ और कंसिस्टेंटली पढ़ो। अगर आप कंसिस्टेंट हो ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, टॉपर्स ने नीट एग्जाम को ना बहुत ज्यादा हाइप कर दिया बिल्कुल, है। अगर आपको एक पढ़ना है तो बोलते हैं 10 पढ़ो, 10 के चक्कर में वो एक भी नहीं पढ़ा जाता है। फिर तो आप अपने यहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल में रखो और लिमिटेड कंटेंट पे फोकस करो। लिमिट काफी जरूरत है, अपना एक लिमिट सेट करना काफी जरूरत है, जैसे मैं ही बता रहा था कुछ बैचेस में बहुत ज्यादा पढ़ा तो काफी मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो नीट के लिए काफी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बल्कि एक लड़का जो बोर्ड में काफी अच्छा कर रहा है वो क्या पता क्वेश्चन प्रैक्टिस ना किया हो बहुत ज्यादा, लेकिन अगर उसने बोर्ड बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई किया उसके चांसेस है कि वो नीट में बहुत बेटर कर जाए, अच्छा, उतना ज्यादा मतलब नहीं मतलब अपने है। कोर्स में हाँ जाके देख लिया कितना, बस हाँ उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और हाँ थोड़ा सा और लेवल बढ़ा के हाँ सिर्फ थोड़ा सा देखना हाँ है, मतलब हो बहुत ज्यादा जाएगा। नहीं है उतना, मतलब वही मतलब ओवरथिंकिंग अपने है, आप को लिमिट कर, लिमिट लिमिट करना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ये नहीं नहीं कि आप आकाश के मॉड्यूल लगा रहे हो, पाताल के भी लगा रहे हो, कुछ भी लगाए चले जा रहे हो, अपने आप को एक कंटेंट पे रेस्ट्रिक्ट करो, ठीक है। यही चीज हमने प्रोपोगेट की है सिंप्लीफाइंग द ओशन ऑफ नीट, जहां भी जितना भी कंटेंट एक्स्ट्रा था सारा हटाया है, पूरा आपका जितना बायोलॉजी में नीडेड है सारा का सारा हमने सेल्फ मॉडिफाइड एनसीईआरटी में इनकॉर्पोरेट किया है। जितने भी नीटरों के आपको टेस्ट पेपर्स मिलेंगे सारे के सारे रेलेवेंट, लेटेस्ट नीटर एनटीए बेस्ड पैटर्न पे, के एनटीए जिस पे फोकस कर रहा है हम भी उसी पे फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री में उन्होंने थ्योरी फोकस किया तो हमने जितने भी लेक्चर प्रोवाइड करने जा रहे हैं आपको, इनऑर्गेनिक के आने वाले हैं, बायोलॉजी के भी आएंगे, तो जितना ज्यादा फिजिक्स में भी जो लेक्चर आने वाले हैं सब पे एनसीईआरटी पे फोकस करा जा रहा है, जिससे आपका जो थ्योरी पार्ट है एसआरएस रीजन का जिस पे फोकस कर रहे हैं लोग उस पर डाला जाए, ठीक है। तो अमन थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस, बहुत बिल्कुल मजा आया बिल्कुल आपके साथ इंटरव्यू में, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग थी और आपने बेसिकली रियल इश्यूज पे फोकस किया जिस पे कोई बात ही करना नहीं चाहता है। हर कोई कोरा आंसर जाके लिखेगा, ओ माई गॉड पेशेंट लोड हाई होना चाहिए, दिल्ली एम्स लो उसका पेशेंट लोड हाई, क्या घंटा करेंगे, फर्क नहीं क्या पड़ता ही करेंगे पेशेंट लोड का, पेशेंट लोड ठीक का है। फर्स्ट ईयर में, आप फर्स्ट ईयर या फाइनल में भी एमबीबीएस लाइफ आप इंटर्नशिप में जाते हो और 24 24 घंटे की ड्यूटी लगती है, 100 पेशेंट भी है ना वो 100 भी नहीं देख पाओगे आप, पेशेंट लोड तो छोड़ दो बिल्कुल बहुत दूर की बात है, ठीक है। कैडेवर एडवर देखते हो ना वो भी बहुत दूर की बात, 2 3 महीने करोगे डाइसेक्शन, ओ माय गॉड मजा आ रहा है, डेली फोटो खींच के इंस्टा पे अपडेट करो, घर वालों को भेजो, देखो आज ही मैं डॉक्टर बन गया सर्जन, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एड्रेनलिन रश है, आपके इमोशंस निकल के आते हैं, तो बहुत सोच समझ के आप अपनी काउंसलिंग कराओ ना जो नीट 2022 के लिए आ रहे हैं बच्चे, ठीक है। थैंक यू अमन, अगेन थैंक यू अमन फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम। अभी हम आप लोग आपके साथ एक 5th ग्रेडर सेशन भी रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है। कीप वॉचिंग, थैंक यू।